Yo. What? What the fuck? What's up, guys? Welcome back to my new video. So, guys, channel pe new, please channel ko subscribe kar dena. Nahi. Bell notification on karke aap log press kar dena. Mere har video ko notification milenge sabse pehle. So, guys, aaj hum log aa gaye hain dobara se ek nayi video ke saath. Abhi baja aayega na video. Aur aaj main kitne समय बाद आ रहा हूँ, आपको पता है क्या? नहीं पता, तो मैं आपको बता, 7 महीने हो गए हैं मुझे ना वीडियो डाले। मैंने कहा लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम का एडिट कर रहा हूँ, और मैंने अभी तुरंत एक वीडियो डाल के हटाऊँ तो भाई आपको मिलेगी बढ़िया बढ़िया वीडियो डेली मिलेंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर देना, मेरे हर वीडियो में नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले, और लाइक कर देना गाइस वीडियो को। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कर दो यार लाइक। और आज हम लोग रिएक्शन रिएक्शन करने वाले हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी अभी कुछ दिनों टाइम पहले, तो उसमें मैंने ये डाला था कि फेमिन पी रिएक्ट। तुमसे ना हो पाएगा। तो आज फेमिन पी रिएक्ट की है कम से कम तीसरी वीडियो, तो यार लाइक कर देना। तो हम लोग भाई जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं डार्क सीक्रेट ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस इस वाली पूरी वीडियो को आज हम लोग देखने वाले हैं, तो लाइक कर देना, इतनी बढ़िया इतनी लाइक नहीं करता, साइनिंग नहीं होगा अभी। तो भाई मैं आपको तो इनकी वीडियो देखते हो गए, इन्होंने डाली थी वाली वीडियो, और थंबनेल जिससे मिलती हो ना वही बोलना वैसे ठीक है। हम पूरी स्क्रीन कर दी हमने, और तो यहाँ से बैठ के देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो यार ये चूड़ियाँ बहुत ठीक रही हैं, परेशान कर दिया भाई मुझे यार चूड़ियाँ, मत पूछो भाई, मैं भी एक मिनट में आता हूँ। माइनक्राफ्ट के बारे में तो आपने बहुत सारी फैक्ट वीडियोस देखी होंगी या नॉर्मल टॉप 10 वीडियोस देखी होंगी, पर ये नई वीडियो सीरीज बाकी उससे अलग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के स्ट्रेंज सीक्रेट। जी हाँ, ये शुरुआत है माइनक्राफ्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। इसका ये पहला एपिसोड होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा माइनक्राफ्ट गेम के टॉप 10 डार्क सीक्रेट्स जो आपको नहीं बताऊंगे, एंड इनमें से बहुत तो डेवलपर्स चाहते भी नहीं कि आपको बताओ। आज हम बात करने वाले हैं एंडरमैन के बारे में, फिर माइनक्राफ्ट के क्रिएटर के बारे में बात करेंगे, ग्रीन स्टीव एंड और भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एंडरमैन के बारे में। तो 26 जुलाई 2011 को मार्कस पर्सन ने एक फोटो शेयर करके अनाउंस किया था कि गेम में एक नया मॉब आ रहा है जिसका नाम होगा एंडरमैन। ये नाम सुनते ही बहुत से लोग पॉइंट आउट करने लगे कि ये नाम तो स्लेंडरमैन जैसा लग रहा है। तब तो नॉर्च ने उस बात को बस जोक मार के इग्नोर कर दिया, लेकिन बहुत से थ्योरीज मानते हैं कि एंडरमैन एक्चुअली स्लेंडरमैन पर ही बेस्ड है। अब एंडरमैन कौन होता है वो तो आपको पता ही होगा, मतलब आप लोग मेरे से ज्यादा ही माइनक्राफ्ट खेलते हो, लेकिन शायद आपको स्लेंडरमैन के बारे में ना पता हो। एक फिक्शनल सुपर फेस बिल्कुल व्हाइट होता है, इस पर कुछ मूवीज भी बन चुकी हैं, एंड क्रिएचर माना जाता है कि बच्चों पे अटैक करता है। इसलिए जब एंडरमैन माइनक्राफ्ट में आया तो पिटीशन फाइल की गई कि इसका नाम चेंज करो, तब लोग कह रहे थे कि इसका नाम फारलैंडर्स रखो, क्योंकि माइनक्राफ्ट गेम स्पेशली बच्चों के लिए बना है एंड बच्चे सबसे ज्यादा खेलते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसे ही मॉब डाल रहे हो जो एक ऐसे क्रिएचर से इंस्पायर्ड है जो कि बच्चों पे अटैक करता है, तो कितना गलत होगा। बट फिर भी ये पिटीशन कभी सक्सेसफुल नहीं हुई और नाम हमेशा के लिए एंडरमैन ही रहा। लेकिन फिर भी इन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, जैसे कि दोनों ही बहुत टॉल होते हैं, दोनों ही टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और दोनों किसी को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें प्रोवोक नहीं किया जाए। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या एंडरमैन और स्लेंडरमैन के बीच में कोई कनेक्शन है? पहले वेस्ट की साइड ऐसा माना जाता था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और सारे स्टार्स, सन, मून, प्लैनेट सब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। पर फिर गैलीलियो जैसे महान लोगों की वजह से हमें पता चला कि अर्थ एक्चुअली सिर्फ एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सन गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड गैलेक्सी भी कहीं ना कहीं इस बड़े से यूनिवर्स में घूम रही है। लेकिन माइनक्राफ्ट में शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि माइनक्राफ्ट का जो वर्ल्ड है वो सही में सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हो। ये चीज पॉइंट आउट करी मैट पैट ने जब उन्होंने नोटिस किया कि सारे स्टार्स, प्लैनेट, सन और मून सभी एक ही स्पीड से माइनक्राफ्ट के आसमान में ट्रैवल करते हैं। अगर माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड भी कहीं रिवॉल्व कर रहा होता तो ये सब सेम स्पीड से नहीं मूव कर सकते थे। इस थ्योरी पर मोजैंग ने या फिर नॉच ने कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन प्लेयर्स ने काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी बनाई है माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को लेकर। ये वाला सीक्रेट बहुत ही क्रेजी है एंड आपको नहीं पता होगा, इसका क्रेडिट मैं गेम थ्योरिस्ट को देना चाहूंगा। तो ऐसा माना जाता है कि माइनक्राफ्ट का जो वर्ल्ड है वो एंशियंट बिल्डर्स ने बनाया था, लेकिन किसी वजह से अब वो यहाँ पर नहीं है, एंड डेजर्ट्स में जो डेजर्ट टेम्पल्स होते हैं वो भी उन्होंने ही बनाए थे। अब ऐसे तो मोजैंग हमेशा कहता रहता है कि जो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है उसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो झूठ बोलता है। एक्चुअली बहुत से ऐसे सटल डिफरेंसेस देखे गए हैं गेम के अंदर जिससे पता लगता है कि माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड भी रियल वर्ल्ड जैसा ही है।
इजिप्शियन पिरामिड्स के सिंबल द आग से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब डेजर्ट टेंपल्स इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह ही हैं। तो डेजर्ट टेंपल के अंदर बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, जैसे कि टीएनटी लगा हुआ होता है, एंड अगर वो एक्सप्लोर कर जाए तो भाई आपको पता ही है क्या होगा। अब टीएनटी माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में बहुत ही गिनी चुनी जगहों पे मिलता है, तो हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर डेजर्ट टेंपल के अंदर टीएनटी क्यों मिलता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा क्रीपर के पास। आपको बता दूं कि क्रीपर एक्चुअली कोई ऑर्गेनिक क्रिएचर नहीं है, बल्कि वो आर्टिफिशियल है। उसके अंदर टीएनटी लगा होता है एंड इसीलिए वो एक्सप्लोर करता है। एंड डेजर्ट टेंपल के अगर आप कुछ ब्लॉक्स पे देखोगे तो उस पे क्रीपर की शक्ल बनी हुई होती है, जिसका मतलब जो एंशियंट बिल्डर्स थे उन्होंने क्रीपर को खुद बनाया होगा एंड उसके अंदर टीएनटी लगाया होगा। एंड अर्थ के सारे डेजर्ट्स की तरह माइनक्राफ्ट के डेजर्ट भी शायद पहले हरे भरे हुआ करते होंगे, एंड इसलिए क्रीपर्स का कलर भी ग्रीन होता है। आपको पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट को बनाया मार्कस पर्सन ने, या कुछ लोगों ने नॉच के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ही माइनक्राफ्ट को स्क्रैच से बनाया था एंड मोजैक कंपनी सेटअप की थी, जिसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को 2014 में $2.5 बिलियन में बेच दिया था। तो इस हिसाब से तो उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन 2019 में मिस्चीवियसली माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे नॉच के सारे रेफरेंसेस गेम से हटाने लगा। लोडिंग स्क्रीन पे अक्सर लिखा आता था मेड बाय नॉच या फिर हैप्पी बर्थडे नॉच, लेकिन वो अब आना बंद हो गया। फिर कुछ टाइम बाद गेम के अंदर उनके ऑलमोस्ट सारे रेफरेंसेस हटा दिए गए, बस क्रेडिट्स में ही उनका नाम छोड़ा गया था। 17 मई 2019 को माइनक्राफ्ट की 10th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था, जिस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी मोजैंग स्टूडियोज में। उसमें काफी सारे बड़े लोग आए थे, लेकिन एक को नहीं बुलाया गया, एंड वो थे माइनक्राफ्ट के क्रिएटर नॉच। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों किया गया, क्यों उनको गेम से भी हटा दिया, 10th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन पे भी नहीं बुलाया गया। वो सिर्फ और सिर्फ उनके ट्वीट्स की वजह से। बेसिकली जब उन्होंने कंपनी बेची थी ना, तो उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन में थी। उनपे इतना पैसा था कि उन्हें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं है, एंड वो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, जिसके बाद से उनका बिहेवियर ट्विटर पे काफी ज्यादा बिगड़ गया था। वो बहुत ही रेसिस्ट एंड एक्सट्रीम पॉलिटिकल ट्वीट्स डालने लग गए, एंड 2019 में तो हद ही पार हो गई जब उन्होंने पिज्जागेट और कैनन जैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सपोर्ट दिखाया। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया उन्हें गेम से हटाने का, क्योंकि वो नॉच के ओपिनियंस को सपोर्ट नहीं दिखाना चाहते थे। द वॉइड अपने आप में एक सीक्रेट है माइनक्राफ्ट का। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि वर्ल्ड के बाहर की खाली जगह को वॉइड नाम दिया गया है। अगर आपको वहाँ जाना है तो या तो मैप एडिटर का यूज करना पड़ेगा, या फिर क्रिएटिव मोड में जा सकते हो, या किसी ग्लिच की मदद ले सकते हो, वरना द एंड से भी वॉइड में जाया जा सकता है। अब सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि वहाँ पर जाकर हम मर क्यों जाते हैं, ऐसा क्या है वहाँ पर, क्या वहाँ पर हम गिरने से मरते हैं, या फिर वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई काट रखी है इसीलिए हम मर जाते हैं, या फिर वहाँ इतनी ठंड होती है कि जिससे हम जम के मर जाते हैं। ये कुछ सवाल है जिनके जवाब किसी को नहीं पता, एंड इसीलिए द वॉइड एक सीक्रेट है माइनक्राफ्ट का। अब आपको बताइए कि माइनक्राफ्ट में डिस्क कलेक्ट कर सकते हैं, टोटल 12 डिस्क है गेम में, एंड आप बताना कि आपके पास कितनी है। अब इन 12 डिस्क में से डिस्क 11 और डिस्क 13 बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर आप डिस्क 11 को प्ले करोगे तो उसमें से ऐसी आवाज आएगी जैसे कोई भाग रहा हो किसी से बच के, जिसमें उसे शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, एंड क्रीपी सी क्लिकिंग साउंड भी आती रहती है, एंड काफी हॉरर मूवी वाली वाइब्स आती है उस डिस्क से। डिस्क 13 भी कुछ अलग नहीं है, बल्कि वो तो हॉरर मूड को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है। उसमें एको जैसी साउंड्स हैं, बीच बीच में साइलेंस भी आ जाता है जो और भी ज्यादा स्केरी फील कराता है। तो इन डिस्क में ऐसी आवाज क्यों रिकॉर्ड की गई है, ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। कोई कहता है कि नॉच इस गेम के गॉड है, या फिर कोई सर्टन लाइक क्रीचर है एंड उसकी वजह से ही ऐसी वॉइसेस आती है। कोई कहता है कि माइनक्राफ्ट एक ड्रीम या फिर एक नाइटमेयर है एंड इसीलिए ऐसी आवाज रिकॉर्डिंग की गई है। ट्रुथ तो शायद किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आपने कभी सोचा कि माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री क्या है, मतलब उसका आज जो वर्ल्ड ऐसा है ऐसा क्यों है। इसको लेकर कुछ थ्योरीज हैं, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है कि जो जॉम्बीज है वो या तो किसी बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा है जो कि अब खत्म हो गई है, या फिर वो एक्सप्लोरर्स है जिनको एक डेडली वायरस लग गया। अब विलेजर्स इस वायरस के इम्यून थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर हम किसी जॉम्बी को मारें तो वो स्केलेटन बनके वापस आ जाता है। पीपल्स एक्चुअली जॉम्बीज की इवॉल्व फॉर्म हो सकती है, एंड जब वो एक्सप्लोर करते होंगे तो उनके स्पोर्ट्स से नए पीपल्स बन जाते होंगे। एंड जो हमें स्पाइडर्स देखने को मिलती हैं वो एक्चुअली बहुत ही बड़ी स्पाइडर्स के डिसेंडेंट्स हैं। कुछ स्केलेटन्स को इन स्पाइडर्स को कंट्रोल करना आ गया है, एंड इसलिए वो स्पाइडर जॉकी बन जाते हैं। और जो स्क्विड्स हैं वो शायद एंशियंट स्पाइडर्स ही थी जिनकी आइस चली गई, एंड उनका पॉइजन सैक को इन सैक में बदल दिया गया। ये सिर्फ एक थ्योरी है जो कि प्लेयर्स ने बनाई है, पता नहीं कितनी एक्यूरेट होगी।
फिर एक बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर जो माइनक्राफ्ट में देखा गया है वो है ग्रीन शीप। पता नहीं आपने से कितने लोगों ने उसे देखा होगा, लेकिन इंटरनेट पे तो उसको लेकर बहुत सी स्टोरीज है कि ये क्रिएचर बहुत स्ट्रेंजली एक्ट करता है। देखने में शीप जैसा ही है बस पूरा ग्रीन। एक बंदा बताता है कि उसे एक डेजर्ट टेम्पल मिला एंड उसने ब्लू ब्लॉक को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। गलती से वो TNT और मैं हाँ इसके बाद में होगा लाला की वेब सीरीज शुरू करूँगा, मतलब हिमलैंड पे कोई फैक्ट और बताऊँगा आपको। मैंने ये वाला देखा था, ये वाला नहीं देखा था। आर्ट वाई ठीक है। हाँ मैंने ग्रीन स्ट्रीप के बारे में कुछ सुना था, मैं याद नहीं कर रहा था कि जो ये माइनक्राफ्ट के बहुत डेबिटर्स तो इन्होंने प्रैंक कर रहा था अपने किसी गेमर के साथ, वो माइनक्राफ्ट खेल रहा था, उन्होंने एकदम से ग्रीन स्ट्रिप डाल दिया उसमें, वो बंदे की इतनी गंदी फट गई कि उसने वर्ल्ड एडिट कर दिया अपना वाला। और फिर उसने फ़ोन करा, डरी बहुत डर गया था वो मैंने स्ट्रिप देख के। और ये मुझे लग रहा है हीरो प्राइम और ये, तो भाई ये माइनक्राफ्ट वाले निकाल रहे हैं ये, मतलब मैं नहीं मानता कोई चीज़ होती है नहीं होती। हीरो प्राइम भी इन्होंने निकाला, अभी ग्रीन स्ट्रिप भी निकाल रहे हैं भाई, कुछ दिनों पता क्या निकाल देंगे।